नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आपको ले चलते हैं प्रयागराज जिले से 50 किलोमीटर दूर 12 तहसील के शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन से शिवराजपुर प्रतापपुर मार्ग के मुख्य मार्ग से 100 मीटर की दूर पर स्थित गढ़वा का किला। गढ़वा का यह ऐतिहासिक किला शंकरगढ़ के मुख्य रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। गढ़वा का यह किला वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। पुरातत्व के जानकारी के मुताबिक यह किला गुप्तवंशी राजा बाघेल द्वारा 5वीं शताब्दी में बनवाया गया था। गढ़वा का यह किला एक पंचकोणी कोटा है जिसके अंदर मंदिर के अवशेष भी विद्यमान हैं। इसका निर्माण 12 के बघेल राजा विक्रमादित्य ने सन 1750 में करवाया था। इस स्थान पर पाए गए प्राचीनतम अवशेष गुप्त काल से संबंधित बताए गए हैं। इस किले के अंदर मंदिरों के काफ़ी अवशेष बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं। इस जगह पर चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के काल के 7 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। ये गढ़वा किले के चारों तरफ का नज़ारा देख रहे हैं आप सब। ये चारों तरफ का नज़ारा है, आप सब इसे भी देख सकते हैं। और ये सामने जो दिख रहा है ये गर्भ जलाशय है। यहाँ से पानी निकाला जाता था और ये जलाशय के ऊपर से नीचे, जलाशय के नीचे से ऊपर आके ये किले का नज़ारा देखिए आप सब। ये जलाशय है, इस जलाशय में पानी कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता है, ये एक रहस्य है। और ये पानी सूखता भी नहीं है। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा। और ये किले का मुख्य भाग जो है उसे देख सकते हैं। ये किले के अंदर का मुख्य भाग भी देख सकते हैं। ये पंचकोणीय किला है और ये किले की दीवारों पे बनाई गई इन मूर्तियों को भी आप सब देख सकते हैं। कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई हैं ये मूर्तियाँ। और ये किले के बगल, किले के ऊपर बनाई गई ये नक्काशियों को भी आप सब देख सकते हैं। कितनी सुंदर और खूबसूरत ढंग से ये नक्काशियाँ बनाई गई हैं। और पहले के लोग भी कितनी सुंदर कलाकृतियों द्वारा ये बनाई गई नक्काशियों को आप सब देख सकते हैं। ये चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं आप सब। ये मूर्तियां जो रखी हैं इनको भी देख सकते हैं। ये किले में रखी गई हैं, इसके अंदर भी काफ़ी मूर्तियाँ रखी और मूर्त रही तोड़ फोड़ इलाहाबाद में क्या ले गए नेक नेक और विदेश चली गई, बस बेहतर बचा है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा रखी गई इन संरक्षित मूर्तियों को भी देख सकते हैं आप सब। प्रत्येक मूर्तियों में उनका नंबर लिखा गया है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से ये रखा गया है। यहाँ के जो निदेशक हैं उनका कहना है कि इसको संग्रहालय बनाने की तैयारी है और इस पर भी काम चल रहा है। बहुत जल्द ही ये संग्रहालय बनके लोगों के लिए यह एक दार्शनिक प्लेस भी बन जाएगा। और इन मूर्तियों को देख सकते हैं आप,
रखी गई सारी मूर्तियों को देख सकते हैं। ये भगवान बुद्ध की भी मूर्ति रखी गई है और यहाँ पे लगभग 1200 से 1500 मूर्तियाँ रखी गई हैं भारतीय पुरातत्व के द्वारा। और इन सारी मूर्तियों को देख सकते हैं, छोटी से बड़ी मूर्तियों को रखा गया है और प्रत्येक मूर्ति में के नीचे उन मूर्तियों का नंबर और क्या है, कैसा है, उसके बारे में भी लिखा गया है। और ये किले का एक भाग ये भी है, इसको भी आप सब देख सकते हैं। और यहाँ भी मूर्तियाँ रखी गई हैं, इसके अंदर जाना अलाउ और नहीं। इस पुरातत्व से संबंधित इसके इर्द गिर्द, क्योंकि ये किला जो है झील में एक बना है जो है, और इसके पीछे साइड में भी एक तालाब है और उत्तर दिशा में भी एक तालाब है जो बहुत बड़ा तालाब है। और ये लगभग जो है 1970 उत्तर से यहाँ पे इस तरीके से माइनिंग जो है, सिल्का जो है, सिल्का वास करके जो है, जो पूरे भारत में इसका जो है बिजनेस होता है, लोग जो है बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो है, तो उन सिल्का माइंस वालों से जो है ये आज के परिवेश में पूरा तालाब क्षतिग्रस्त हो गया है। इस चीज़ को चाहते हैं कि ये पूरा तत्व का ऐतिहासिक तालाब अगर जिंदा रहे जो है, तो जो मरणा सैया में है इसकी खबर जो है शासन तक पहुंचाएं ताकि ये तालाब जीवित हो सके। सुंदर नक्काशियों को भी आप देख बनाने सकते के हैं लिए कितने जो प्यारे। किनारे किनारे दीवार के खंभे बनाए गए थे उनके बनी ये नक्काशियां भी देख सकते हैं, वर्णन किया गया है, यहाँ बनाया पे गया है, रखे आप गए सब ये देख सकते इन हैं। पत्थरों को भी देख सकते हैं जो पुरातत्व के द्वारा संरक्षित रखा गया है। और इन्हीं पत्थरों से मिलके इस भव्य किले का निर्माण हुआ था। तो उसके बाद जो इसके टूटे फूटे अवशेष हैं उनको भी संरक्षित ढंग से ये रखा गया है। और ये बारिश की ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हमेशा ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो इसकी वजह से ये काले दिख रहे हैं। इस समय बारिश का सीजन भी चल रहा है, तो बारिश होने की वजह से और पानी पड़ने की वजह से ये काले काले दिख रहे हैं, देख सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ ऐसे ही पत्थर रखे गए हैं। ये आप सब देख सकते हैं ये इन और सभी दीवारों पे भी बनी देख सकते ये हैं, दीवार के जो पिलर पे खंभे भी हैं देख सकते उन पे हैं भी ये सुंदर सुंदर खूबसूरत नक्काशियाँ एवं कलाकारी की गई सुंदर है। सुंदर मूर्तियाँ ये बनाई है गई गढ़वा हैं। किला, इस जलाशय को भी आप सब देख सकते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस जलाशय के अंदर का पानी कभी सूखता नहीं है, हमेशा भरा रहता है। और इस जलाशय में पानी कहाँ से आता है किसी को ये भी जानकारी नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कितना सुंदर है। और ये पूरा खंडहर भी हो चुका है, देखिए। झल्लर आदिवासी, अब इस किला के संबंध में लगभग 5 साल पहले यहाँ पे प्रयागराज पुलिस अधीक्षक विजय कुमार साहब थे जो, उनके माध्यम से जैसे ये आपका ये गढ़वा किला है जो है, और बगल में यहाँ से 15 या 11 किलोमीटर की दूरी पे एक जंगल पड़ता है ऋषियन, जहाँ पे इस पुरातत्व का अवशेष वहाँ भी मिलता है जो है। तो उनके वक्तव्यों द्वारा हमको ये जानकारी है कि उन्होंने बताया था कि उस समय 1100 साल पुराने ये किला है। अब क्या सही है क्या गलत है, क्या वो इतिहास को पढ़ कर किस तरीके रिसर्च करके बताए, इसके विषय में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। ये है गढ़वा किले का मुख्य भाग, देख सकते हैं यही है सामने दिख रहा है जो, यही है गढ़वा किले की मुख्य इमारत, इसको भी देख सकते हैं आप सब। और ये किले के चारों तरफ देख सकते हैं बड़ी बड़ी घासें भी हैं, ये पूरा खंडहर हो चुका है, देख सकते हैं आप सब। और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब